मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस ने एमडी नामक नशीला पदार्थ बेचने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक मुंब्रा का रहने वाला है जबकि दो भिमंडी के रहने वाले हैं और एक नाइजीरियन है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में डीसीपी अविनाश अंबूरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि एपीआई किरपाली बोरसे की टीम को ये जानकारी मिली थी कि तीन लोग नशीला पदार्थ बेचने के लिए मुंब्रा के दत्तूवाड़ी पुराना पेट्रोल पंप के पास आने वाले हैं, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में तीनों आरोपियों को पकड़ा गया। इन आरोपियों के नाम है एकदस सलीम शेख 23 वर्ष, ये हरिमणि कॉम्प्लेक्स खरड़ी रोड का रहने वाला है, जबकि दो आरोपी सैयद निहाल मोहम्मद अफरोज 20 साल और मुदस्सिर मोइनुद्दीन खान 22 साल, ये भिवंडी के गैबी नगर के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 26 ग्राम एमडी नामक नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। तीनों से पूछताछ के बाद पता चला कि ये लोग नशीला पदार्थ एक नाइजीरियन से लेते थे जो मुंबई के नाला सुपारा में रहता है, जिसके बाद मुंब्रा पुलिस ने ट्रिप लगाकर इस नाइजीरियन को मुंब्रा रेती बंदर गणेश घाट से पकड़ लिया। नाइजीरियन का नाम केली चीको एजे फ्रांसिस 39 वर्ष है। इसके पास से 55 ग्राम एमडी नामक नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। बरामद की गई कुल एमडी 81 ग्राम है, जिसकी कुल कीमत 1,29,500 रुपये बताई जा रही है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी अविनाश अंबूरे ने क्या पूरी जानकारी दी है, आपको सुना दें। 3 सितंबर को हमारी जो पीएसआई भोसले और उनकी पूरी टीम है मुंब्रा में, उनको एमडी जो नार्कोटिक्स ड्रग है उसकी इंफॉर्मेशन मिली थी। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने दत्तवाड़ी पेट्रोल पंप के पास से तीन लोगों को हिरासत में लिया, जिनके नाम है अफदस शेख, सैयद हाफरोज और मुदस्सर खान। उसमें अफदस शेख जो है वो मुंब्रा का रहने वाला है और सैयद हाफरोज और मुदस्सर खान ये भिवंडी के रहने वाले हैं। इनको हिरासत में लेने के बाद में इनके पास से हमको 26 ग्राम एमडी हमें बरामद हुई। उसके तहत हमने पीआर नंबर 808/2022 के तहत हमने गुना रजिस्टर किया। एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 8C और 22A के तहत हमने गुना रजिस्टर किया। इंटरोगेशन में हमको पता चला कि ये जो एमडी है ये लाते कहाँ से, इसकी जब मालूमात करना चालू की तो हमें पता चला कि एक नाइजीरियन नेशनल इसमें इन्वॉल्व है जो इनको ये ड्रग सप्लाई करता है। तो उसके तहत हमने ट्रैप लगाया और ये नाइजीरियन जो नेशनल है केली चिकू फ्रांसिस, इसको हमने 5 सितंबर को हमने गणेश घाट मुंब्रा के यहाँ से हमने ट्रैप करके इसको हमने हिरासत में लिया और इसके पास से हमने अभी तक 55 ग्राम एमडी हमने रिकवर किया है। टोटल जो मुद्देमाल है करीबन 1 लाख के ऊपर का हमने अभी तक ड्रग्स हमने बरामद किए हैं और एक अच्छी सफलता हमारे पूरे मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कडलक, पीआई क्राइम निकम, पीएसआई भोसले, हेड कांस्टेबल माली घोड़किया और उनकी पूरी टीम ने ये अच्छा काम किया। अभी तक तो कुछ रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, जो अफदस शेख है उसका कोई रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, साथ ही सैयद और मुदस्सर का भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिला है। बट इसमें हम लोग पूरे पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन निकाल के उनका कुछ रिकॉर्ड मिलता है कि इस